उत्तर से पूर्वोत्तर और पश्चिम से दक्षिण तक मानसून पूरे उफान पर है। झमाझम बारिश से नदियों का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। असम पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहा है। गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में भी बारिश ने अब सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। अभी सड़कें बह रही थी, पुल टूट रहे थे, लेकिन अब पूरे के पूरे गांव जो है वो जलमग्न हो रहे हैं और शहरों में ऐसा लग रहा है कि सड़क पर समंदर नदियां उमड़ आए हैं। नदियों का हाल भी कुछ ऐसा है कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। उफनता पानी, तेज लहरें, तटों को तोड़ने पर आमादा हैं नदियां। और इसकी वजह जो बताया जा रहा है खासतौर से नदियों में आए इस पानी के तेज बहाव की, वो है नेपाल से आ रहा पानी। और इस पानी के कारण अगले 24 घंटे में यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बेहिसाब बरसा, डूबे शहर, घर और मकान। खुले बैराज, उफनती नदियों ने मचाया कोहराम। आफत आसमानी, घर में घुसा पानी, मुसीबत में जिंदगानी। बड़ा नदियों का जलस्तर, यूपी बिहार में बाढ़ का डर। बारिश, बैराज और बाढ़। जुलाई की अभी 10 तारीख भी नहीं आई है और देश के 8 राज्य अभी से पानी पानी नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र, असम, राजस्थान और गुजरात में पानी सड़कों से घरों में घुस रहा है। कर्नाटक, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में नदियां घरों में घुस रही हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बन रही है। पूर्वोत्तर का असम एक महीने से बाढ़ की मार झेल रहा है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यूपी में गंगा, नारायणी और राप्ती नदियों का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। नदियों का लेवल डेंजरस लेवल के पास पहुंच गया है। बिहार में कोसी और गंडक और घाघरा अभी से डरा रही हैं। अब नदियां अपना रास्ता छोड़कर शहर, गांव, घर और मकानों की तरफ बढ़ रही है। बिहार के सीमांचल में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कल से अचानक यूपी बिहार में बाढ़ की आहट क्यों सुनाई दे रही है? नदियों का जलस्तर तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे की वजह है नेपाल से पानी आ रहा है। नेपाल में मानसून तबाही मचा रहा है। झमाझम बारिश हो रही है जिससे पूरा का पूरा नेपाल बाढ़ की चपेट में है। नेपाल पहाड़ी देश है, ऐसे में बारिश और बाढ़ के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं भी रोजाना हो रही हैं। मौसम की मार से नेपाल में 62 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में बाढ़ तब आती है जब मानसून नेपाल से उत्तराखंड और यूपी बिहार की तरफ पड़ता है, या फिर जब नेपाल खुद को बचाने के लिए अपनी नदियों पर बने बैराजों के गेट खोलता है। इस बार नेपाल में मानसून हद से ज्यादा तबाही मचा रहा है, इसीलिए नेपाल ने 44 साल बाद कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए। अब बिहार में एक बार फिर कोसी के पानी से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल की ओर से गिरजा,
सरयू व शारदा बैराज से दो शिफ्टों में 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है और इस पानी से यूपी में बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ का अलर्ट कहां कहां जारी हुआ है, हालात कैसे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, सब दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मॉनसून की बात करते हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो मॉनसून ने सबसे ज्यादा तबाही उत्तराखंड में मचाई है। टनकपुर, बनबसा और खटीमा में सिचुएशन क्रिटिकल नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें खटीमा की हैं, जिधर भी कैमरा पैन कर रहा है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सड़क और खेत सब जलमग्न हो गए हैं। खटीमा में ग्राउंड पर हालात कैसे हैं? अब जरा ये भी देख लीजिए, शहरों में सड़क पर पानी घुटनों तक पहुंच गया है, बसों में पानी घुस रहा है, इसीलिए बंद पड़ रही है, गाड़ियां खराब हो रही हैं। लोग बारिश के गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। जगह जगह जल जमाव हो रहा है, पानी सड़क से घरों तक पहुंच गया है। भारी बारिश की वजह से शहर का ड्रेनेज सिस्टम भी फेल हो चुका है। लेकिन गांव में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बंगाली कॉलोनी का निचला हिस्सा जलमग्न हो गया है, पूरी कॉलोनी टापू बन गई है। अब बस नाव ही आखिरी रास्ता बन गई है। खटीमा में है और ये बंगाली कॉलोनी है। यहाँ पर वो लोग आकर बसे जो कि अलग अलग जगहों से आए थे बंगाल के, और यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। यहाँ पर ये मंदिर है जो कि पूरी तरीके से अब पानी में डूबा हुआ है। वहीं पीछे इसके जो वॉलीबॉल खेलने का ग्राउंड था, अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि वो भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ये मंदिर का जो मेन एरिया है, मेन मंदिर की चौखट है, गर्भगृह है, वो पानी में डूबा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जैसे तैसे करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक सामने जहां पर आपको और ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एक टापू में तब्दील हो गया है। इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। जैसे तैसे लोग अपने घरों में पानी लाने के लिए बाहर जा रहे हैं और इन्हीं पानी के बीचों बीच होकर वो जैसे तैसे यहां से निकल रहे हैं। इनको डर इस बात का भी है कि यहां पर अब जो है मगरमच्छ का भी खतरा काफी ज्यादा इनको बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए स्थानीय प्रशासन से इन्होंने बार बार अपील की है। गांव का इकलौता हैंडपंप पूरा डूब गया है। बच्चों का वॉलीबॉल ग्राउंड पानी में गायब हो चुका है। बच्चे अब नदी के गंदे पानी में खेल रहे हैं। तो मेन बाउंड्री थी ये बाउंड्री, और ये जो खेत का एरिया है वो पूरा डूबा हुआ है। उसके अलावा ये ग्राउंड था, रास्ता था, अब रास्ते के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। उसके अलावा रास्ता भी लगभग खत्म हो गया है। सामने घरों के अंदर पानी है। गांव में शारदा नदी का पानी कमर से ऊपर तक पहुंच गया है और अभी बरसात रुक रुक कर हो रही है। पानी का स्तर देख लीजिए, स्थिति ऐसी है कि अगर ये नाव ना हो तो कोई भी व्यक्ति बाहर ना जा सके। इसी नाव के जरिए ये अंदर आ रहे हैं, और अगर इमरजेंसी है तो ऐसे में इसी पानी के बीच में से इनको जाना पड़ रहा है। ये पूरा आंगनबाड़ी जो है ये डूबा हुआ है पानी में, और ये हैंडपंप है, हैंडपंप जो पूरा डूबा हुआ है। उसके अलावा ये जो घरों की सतह है वो डूबा हुआ है, आंगनबाड़ी का जो मेन पीछे का हिस्सा है वो डूबा हुआ है, क्योंकि ऊंचाई के ऊपर कुछ घर बने हुए हैं इसीलिए वो घर अभी तक सुरक्षित है। लेकिन रास्ता अभी कोई भी नहीं है, और इसीलिए रास्ता न होने की वजह से यहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। उत्तराखंड में बारिश से बदले हालात को लेकर अब धामी सरकार भी एक्शन में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल के टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। इसके बाद सीएम धामी रिलीफ कैंप भी पहुंचे। रिलीफ कैंप में रहने वाले लोगों से बात की, उन्हें खाना भी खिलाया। का भी वक्त है, बहुत सारे एरियाज अफेक्टेड हुए हैं। आपने जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण किया, क्या कहना चाहेंगे अफेक्टेड लोगों के लिए, अफेक्टेड एरियाज के लिए, आपने खुद इसको देखा? देखिए, इस समय तो मैं यही कहूँगा कि सारे हमारी मशीनरी, सारा हमारा प्रशासन के लोग जो भी इस काम में लगे हैं, सबका एक ही
प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपदा में जो लोग पीड़ित हैं उनकी राहत हो, उनको सहायता हो। उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश में नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश के कारण अभी 98 मार्ग बंद हैं। इसमें नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे शामिल हैं। उत्तराखंड के येलो अलर्ट वाले जिलों में स्कूल की छुट्टी बढ़ा दी गई है। हालात को देखते हुए उत्तराखंड में कई जगह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी तो कई जगह उन्हें स्टैंडबाय में रखा गया है। लेकिन अभी ये मुसीबत कम नहीं होने वाली है क्योंकि ऋषिकेश में बारिश के कारण मैदानी भागों में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई हैं, जबकि कुमाऊं में गोला नदी भी उफान पर चल रही है और नैनीताल के रामनगर में कई बरसाती नाले भी उफान पर हैं। खटीमा नेपाल से सटा इलाका है। नेपाल की तरह ही यहाँ झमाझम बरसात हो रही है तो दूसरी तरफ नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से बनबासा के शारदा बैराज का जलस्तर बढ़ रहा है और यही शारदा नदी खटीमा में तबाही मचा रही है। इसी शारदा नदी की वजह से यूपी के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ यूपी में बेहिसाब बरसात हो रही है, अनुमान से अधिक बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, कहीं जल जमाव हो रहा है तो कहीं सड़क धस रही है, कहीं पुल बह रहा है। यूपी का सिस्टम सरेंडर कर रहा है और अब नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण मुसीबत यूपी की डबल हो गई है। नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण गंगा, रामगंगा, शारदा, राप्ती, सरयू और गंडक नदियां उफान पर आ गई हैं। तस्वीरें यूपी के अयोध्या की हैं, जहां सरयू नदी का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। सरयू अपने किनारों को पार करते हुए आसपास के इलाकों में पहुंच रही है, जिससे यहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सरयू के घाटों पर पानी ऊपर तक चढ़ाया है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहाँ प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है। श्रद्धालुओं को भी बैरिकेड के अंदर ही स्नान के लिए कहा जा रहा है। अगर यूपी की नदियों की बात करें तो सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से अयोध्या और बस्ती में बाढ़ बढ़ रही है। राप्ती नदी ने बलरामपुर और श्रावस्ती में मुसीबत बढ़ा दी है। शारदा नदी में उफान से पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। गंडक नदी ने अभी से कुशीनगर को डुबाना शुरू कर दिया है। बूढ़ी राप्ती नदी भी सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में अभी से डराने लगी है। इनमें से ज्यादातर नदियों का लेवल डेंजर लाइन को पार कर चुका है और यूपी में मुसीबत ही मुसीबत टूट रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। यूपी के 6 जिलों में बाढ़ से टेंशन बढ़ गई है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी बाढ़ की चपेट में है और अब बाढ़ का खतरा आगे दूसरे जिलों में बढ़ रहा है। तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं, जहां पानी के तेज बहाव के कारण कटाव शुरू हो चुका है। नेपाल से आए पानी से पैनिक बिहार में मच रहा है। अगर बिहार की बात करें तो नेपाल से 4 नदियां बिहार आती हैं, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। हर साल ये नदियां बिहार में तबाही मचाती हैं।